أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين فإذا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم फिर हमने फिरौन वालों को अहद और पैदावार की कमी का शिकार बनाया शायद वो नसीहत हासिल करें लेकिन उनके ऊपर जब भी ऐसे हालात आते थे तो कहते थे कि ये सब हमारी कारगुजारी है और जब उनके ऊपर बुरे हालात आते थे तो वो उसे मूसा और उसके साथियों की नहुसत बताते थे हालांकि सारी किस्मतें और सारे हालात अल्लाह की तरफ से हैं लेकिन अक्सर लोग इस बात में और वो कहते थे कि तुम कितनी भी निशानियां ले आओ जादू करने के लिए हम कभी तुम पर ईमान लाने वाले नहीं फिर हमने उनके ऊपर तूफान भेजा चिड़ियां भेजी हमने उनके ऊपर खून भेजे और मेढक हमने उनके ऊपर भेजे और हमने खून ये सब हमारी निशानियां थी जिनकी तफसील बयान हो चुकी है लेकिन उन्होंने तकब्बुर का रवैया अख्तियार किया क्योंकि वो एक मुस्लिम कौम जब मुसीबतें उन पर आईं तो कहने लगे कि ऐ मूसा अपने रब से दुआ करो क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारी बात सुनता है अगर तुमने हमारे ऊपर से मुसीबत डाल दी तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ भेजेंगे लेकिन जब मुसीबत उन पर से टल जाती थी कितनी देर के लिए जितना वो कर सकते थे अचानक वो फिर पलट जाते थे फिर हमने उनसे इंतकाम लिया और हमने उनको डुबो दिया दरिया में इसलिए कि उन्होंने हमारी आयत लाया था और वो हमसे गाफिल हो गए और हमने उस कौम को जिसे जमीन की मशारिक और मगारिब में दबा दिया गया था उस सरजमीन का वारिस बना दिया जिसको हमने बरकतें अता की और तेरे रब का वो वादा पूरा हुआ जो उसने बनी इसराइल के बारे में किया था क्योंकि बनी इसराइल ने सब्र किया और हमने फिरौन ने जो कुछ बनाया था और उसकी कौम ने और जो कुछ बाग उन्होंने लगाए थे सबको तबाह बर्बाद कर दिया तबाह बर्बाद कर दिया फिर बनी इसराइल दरिया को पार किया फिर वो एक कौम पर पहुंचे जो अपने बुतों से चिमटी हुई थी कहने लगे ऐ मूसा हमारे लिए भी ऐसे ही माबूद बना दो जैसे कि इनके माबूद हैं अल्लाह उन्होंने कहा कि यकीनन तुम्हें चाहिए कौम ये सब कुछ जितना खटराक है ये तो तबाह हो जाने वाला है ये सारा अमल बर्बाद होने वाला है क्या मैं तुम्हें अल्लाह के अलावा कोई और माबूद बनाऊं जबकि उसने तुम्हें तमाम जान पर फजीलत बख्शी और याद करो कि हमने तुमको फिरौन के हाथों से बचाया जबकि वो तुम्हें दर्दनाक अजाब दे रहा था तुम्हारे बेटों को कत्ल कर रहा था तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ रहा था और इसमें यकीनन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था इसकी आयत में मैंने आपके सामने उसके रुकू था उसमें बताया था कि फिरौन के खुदा होने का और उसके आका माबूद होने का मतलब क्या है फिरौन ने जो खुदाई का दावा किया था
उसका मतलब कुरान करीम ने क्या बयान किया है, कुरान करीम की आयात में आमतौर से मशहूर है कि फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, लेकिन जाहिर है कि दावा ये नहीं था कि वो जमीन आसमान का पैदा करने वाला है, फाफिर समावाति वल अर्ध है, ये दावा हो ही नहीं सकता है। और उसकी इबादत जो करती थी कौम, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसको खुदा समझ के करती थी, क्योंकि बनी इसराइल के लिए भी कुरान करीम में है, जब मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि ईमान लाओ तुम अल्लाह के ऊपर और उसकी इताअत कामिल कबूल करो, तो उन्होंने ये कहा कि अनुमिनु लबशरैनि मिस्लिना व कौमुहुमा लना आबिदून, क्या हम इन दो आदमियों की बात मान लें जो हम जैसे ही आदमी हैं जबकि इनकी कौम हमारी इबादत करती है। फिरौन ने कहा व कौमुहुमा लना आबिदून, उनकी कौम हमारी इबादत करती है। जाहिर है कि बनी इसराइल उनकी इबादत नहीं करते थे, मगर इबादत का मतलब यह है कि वह हमारी हुकूमत को तस्लीम करती है, हमारी अकाई को तस्लीम करती है, उस पर हमारा इख्तियार चल रहा है, तो हम इनकी बात कैसे मान। इसी ज़मन मैंने आपको बताया था कि कुरान करीम में इबादत के जो माना लिए गए हैं वो क्या है, इबादत के जो माना है और अल्लाह के जो माना है उसको मुख्तसर तौर से आपको मैंने बताया था। मसलन कुरान करीम में कहा गया कि अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, तुम लोगों को देखते हो कि उन्होंने अपना इलाह अपनी ख्वाहिशात को बना लिया है। तो इलाह अपनी ख्वाहिशात को बना लिया है इसका क्या मतलब है, कोई अपने ख्वाहिशात की परस्तिश नहीं करता है और कोई अपने ख्वाहिशात को पूछता नहीं है, बल्कि ख्वाहिशात के कहे पर चलता है, जो मन में है जो है उसके कहे पर आदमी चलता है। तो कुरान करीम ने उसको कहा कि वो इलाह बना रहा है अपनी ख्वाहिश को, तो इलाह के माना ये हुए जिसके कहे पर चला जाए। अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुम देखते हो कि वो आदमी की जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बनाया। इलाह का मतलब वो है जिसके कहे पर चला जाए, ये माना होते हैं इलाह के। और ला इलाह इल्लल्लाह का मतलब ये है ऐसी कोई जात जिसके कहे पर चला जाए, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं, जिसकी दात की जाए, जिसके कहे पर चला जाए। यही इबादत के माना भी है, इबादत के माना परस्तिश के नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में जगह जगह आप देखेंगे वलकद अहदना इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान, मैंने बनी आदम तुमसे अहद लिया है कि तुम शैतान की इबादत मत करना। कौन शैतान को पूछता है, कौन शैतान को हार पूछ रहा है, तो कौन उसके आगे सजदे करता है, कौन उसके आगे डंडौत करता है, शैतान के आगे कोई भी नहीं करता, शैतान की मूर्ति बना के कौन उसके आगे चिराग जलाता है। फिर शैतान की इबादत का मतलब क्या है, जाहिर है कि शैतान का कहना मानना, शैतान की इताअत करना, शैतान के कहे पर चलना, यही माना वही जो बनी इसराइल के लिए कह रहा है फिरौन, वही माना है इबादत के और इताअत के। और यही है उसका दावा कि मैं तुम्हारा रब आला हूँ, यानी तुम्हें मेरी इताअत करनी चाहिए और मेरे अहकाम पर चूनो चरा नहीं करनी चाहिए। तो रब का लफ्ज मैंने आपको बताया था कि जगह जगह हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा, अपने अजीज मिस्र को कहा जिसके यहाँ पलते थे कि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाई, वो मेरा रब है उसने मुझे बहुत अच्छी तरह पाला है। अजीज मिस्र को कहा इन्नहु रब्बी, यानी मेरा खुदा है थोड़ी कहा, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा मेरा खुदा है, मेरा रब है, रब का मतलब होता है मालिक, रब्बुल अर्श रब्बुल इज्जत कुरान करीम में अल्फाज बोले गए हैं, तो मालिक और आका यही उसका असासी मफहूम है। अब जो मालिक होता है वो पालता भी है, परवरदिगार भी होता है, उसका तसर्रुफ भी होता है, वो एक चीज का उसका इख्तियार भी उसमें चलता है, ये सारे उसके लवाजिम हैं। लेकिन इसका असल माना जो है असासी जो कुरान करीम को सामने रखते नजर आते हैं वह है मालिक और आका के इलाह के माना। और इसीलिए कुरान करीम में आप ये बात देखेंगे कि जहाँ इलाह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए उसके बाद हुक्म और मुल्क का जिक्र आता है, अल्लाह ला इलाहा इल्लहु लहुल हुक्मु फिल उला वल आखिर, खुदा इलाह है हुक्म उसी के लिए शुरू में और आखिर में, वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, उसका मुल्क में कोई शरीक नहीं है, वल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल मलिकुल कुद्दूस सलाम, वो अल्लाह है उसके उसी के लिए है सारी हुकूमत और बादशाह, वहु लज़ी फिस समाई इलाहु व फिल अर्ज़ इलाह, वो जमीन में भी बादशाह है और आसमान में भी बादशाह है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, आसमानों की बादशाहत भी उसी की है, जमीन की भी उसी की है, और जमीन आसमान के बीच में जो कुछ भी है वो सारी बादशाहत है। कभी दुनिया समझ ले कि बादशाहत का मतलब सितारों पर बादशाहत और जमीन पर बादशाहत का मतलब ये है दरियाओं पे और पहाड़ों पे बादशाहत ये मतलब है, अल्लाह फरमाया नहीं खाली इतना ही नहीं कि जमीन और आसमान बल्कि उसमें जो कुछ भी दरमियान में है वो सब उसी उसी सारी बादशाहत उसी की, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, उसके दरमियान। तो ये जो है बिल्कुल जो भी आदमी खुले दिल से कुरान करीम को पढ़ेगा, अब ये बात कह देते हैं लोग कि साहब आपके ऊपर चूंकि सियासी फिक्र गालिब है इसलिए आप कुरान शरीफ में से बस वही हुकूम और हुकूमत और इख्तदार वाली बातें छाट लेते हैं, मतलब अल्लाह तबारक तआला का जो ताल्लुक है वो हुकूमत और इख्तदार वाला ताल्लुक नहीं है बंदे के साथ, बल्कि अल्लाह का ताल्लुक जो है वो मोहब्बत का ताल्लुक है, खुदा तआला का ताल्लुक जो है वो जज्बात कल्बी का ताल्लुक है, उसके लिए हमारे दिल झुके, उसके लिए हमारी आंखें नम हों, उसके लिए हमारा दिल धड़के, ये है अल्लाह की इबादत का मतलब, ये है अल्लाह के आगे झुकने का मतलब। और आप जो है उसमें से इख्तदार और हुकूमत ये सारी बातें इसलिए छाटते हैं कि आपके दिमाग में तो छाया हुआ ही हुकूमत और इख्तदार है, इसलिए आप कुरान शरीफ में सारी बातें छाट लेते हैं और उसको इस तरह से एक मतलब वन वे ट्रैफिक आप चलाते हैं और उसी एंगल से कुरान शरीफ को आप पेश करते हैं, ये बात कही जा सकती है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा कुरान शरीफ को आप पूरा पढ़िए शुरू से आखिर तक,
आखिर ये क्या बात है कि कुरान करीम ने जितनी इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं वो सब बादशाहत की इस्तिलाहात हैं, सारी की सारी। अल्लाह ताला खुद ऐसी ज़बान में बात क्यों करता है? अल्लाह ताला अर्श का मालिक है, कुर्सी का मालिक है, तख्त अर्श पर बैठा है, वहां से उसकी हुकूमत चलता है, युदब्बिरुल अम्र, वो अपना हुकूम वहां से चलाता है, फरिश्ते उसके मुदब्बिरात अम्र हैं, उसकी कारफरदाद हैं, वो कायनात पर उसकी हुकूमत चलाते हैं। ये पूरा तसव्वुर एक बादशाह का था क्यों है, जैसे एक तख्त है, एक अर्श है, एक कुर्सी है, एक तमाम, ये सारी इस्तिलाहात अल्लाह ताला ये वाली क्यों बोलता है? यही इस्तिलाहात जो हुकूमत से ताल्लुक रखती हैं और जो सल्तनत से ताल्लुक रखती हैं, यही इस्तिलाहात कुरान करीम में क्यों मिलती हैं, ये सोचने की बात। और ज्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आगे तशरीह करना है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह आप समझ लीजिए वो ये है कि जब आप यूं बात करते हैं कि हमें अल्लाह के लिए जो है अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, इसमें आपकी क्या आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, आप अलग नहीं हो पाते आप दूसरों से। अलग जो होते हैं समाज में तो अलग इस तरह से होते हैं कि आप किसका कहना मानते हैं इस बात से अलग होते हैं हम। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो एक तफसीली ज़ाबता हयात दिया है, वो तफसीली जो उसने हमें निज़ाम हयात दिया है, जो जिंदगी गुजारने का ढंग दिया है, जब हम उसके मुताबिक चलते हैं तो हम दूसरों से अलग दिखाई देते हैं, दूसरों से हम अलग होते हैं। और जब हम खाली यूं कहें कि हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए तो ये कैसी बात है, इसको हर आदमी कहता है, ईसाई भी कहते हैं, हमारे बिरादरान वतन भी कहते हैं कि ईश्वर से जो है प्रेम करना चाहिए, इसको सभी कहते हैं, इसमें कोई अलग नहीं हो पाते हम दूसरों से, ये तो एक गोल घपला रह जाता है। तो अब जाहिर बात है कि अगर हमें अलग दिखना है तो ये अल्लाह की इताअत की बुनियाद पर हम अलग दिखेंगे समाज में, दूसरे किसी और की इताअत कर रहे हैं और हम अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, ये खुदा की इताअत है जो हमें अलग करके दिखाएगी। और महज इतनी सी बात कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, इसमें तो हम भक्ति के गीतों में हमारे तौहीद के गीत मिल जाएंगे, वही भक्ति के जो जमजमे हैं उसी में हमारे तौहीद का गीत मिल जाएगा, फर्क ही नहीं चलेगा कि क्या कह रहे हैं, मतलब वही बात कह रहे हैं जो सब कह रहे हैं, कोई हिंदी में कह रहा है, कोई अरबी में कह रहा है, उर्दू में, इस तरह से जो है प्रेम की जो धारा बह जाएगी, यानी नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी एकजहती कायम हो जाएगी, वो चीज़ है जो सेकुलरिज्म चाहता है। तो लिहाजा जिन लोगों को बात गोल घुमानी है और जिन्हें बाब रहमन अल्लाह बा मुसलमान अल्लाह बाब रहमन राम राम अमल करना है, वो तो यही पकड़ेंगे, इसलिए कि इसमें गोल बात होती है, अंधेरे बात क्लियरिंग होती है, ईश्वर से प्रेम करना क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है, और ये बड़े आदमी है भाई, प्रेम की बात कर रहे हैं ईश्वर से, वो हर आदमी यही कहेगा, तो इसमें कोई घबला ही नहीं होता है, इसमें कोई तशख्स नहीं होता, कोई अलग दिखाने की बात ही नहीं होती है, जो सब कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं, इसमें क्या हो गया। तो इसमें जो है जिसको जो है बना के रखना है सबसे, उसको तो इस बात को कहना है, इसका टांका लग जाता है नेशनल इंटीग्रेशन के साथ भी, इसका टांका लग जाता है सेकुलरिज्म के साथ भी, हर चीज़ का टांका लग जाता है इस वाली बात। और जब यूँ कहें कि हमें अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह ने हमें सब कुछ बताया है तहजीब तमद्दुन समाज के बारे में, यहीं से हम अलग हो जाते हैं, दूसरों से अलग दिखाई देने लगते हैं, ये अलहदगी पसंदी वाली बात हो जाती है, आइसोलेट होने वाली बात हो जाती है। ये है बुनियादी झगड़ा और यह है बुनियादी इख्तलाफ। इस्लाम जो है आखिर कोई अलग दीन है कि नहीं, इस्लाम एक किसी खास मकसद के लिए दुनिया में आया है कि नहीं, ये बुनियादी सवाल है। इस्लाम की जो अखलाकियात हैं, जो एथिक्स हैं, इस्लाम उसके लिए आया है सिर्फ, कुरान करीम इसलिए आया है कि सच बोलें आप, झूठ ना बोलें, दगा न दें किसी को, धोखा न दें आप किसी को, महज अखलाकियात की बात करें, इसलिए कुरान करीम अगर आया है तो इसको आप समझ लें कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला के एक अजीम जो तवील जो निज़ाम है उसका एक जुज है सिर्फ, लेकिन अखलाकियात वो चीज़ नहीं है जिसके लिए इस्लाम आया है, इसको आप समझें इस बात को। क्योंकि कुरान शरीफ ना भी होता तो लोग यही कहते कि सच बोलना चाहिए, और कुरान शरीफ ना भी होता तो लोग यही कहते कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हुजूर अकदस दुनिया में ना आते तो भी यही कहा जाता है कि धोखा नहीं देना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं करना चाहिए, सब कुछ कुरान के बगैर भी होता, तो कुरान करीम क्यों आया फिर दुनिया में? जब आप खाली इतनी ही बात करेंगे अखलाकियात की तो फिर कुरान करीम तो एक तरफ हो जाएगा, इसकी तो जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसके बगैर भी सारी बातें हो सकती हैं। क्या जरूरी है कि आप कुरान शरीफ आयतों में से हवाले निकालेंगे, तौहीदों में मिल जाएंगे आपको, दूसरी मजहबी किताबों में मिल जाएंगी सारी बातें, कुरान शरीफ बिल्कुल टच ना भी करें तो भी ये सारी बातें साबित हो जाएंगी। फिर कुरान शरीफ के अलग वजूद की, अलग नजूल की जरूरत क्या है, इस बात को ये बात हमें सोचना है। तो असल मसला जो है वो यही है कि अल्लाह तबारक तआला ने इसलिए मोमिन और काफिर का इम्तियाज जो है वो इताअत की बुनियाद पर किया है, अल्लाह की इताअत कौन करता है। और महज ये बात कि खुशू व तसल्लु, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सजदा ले गैर अल्लाह से बड़ा तो खुशू नहीं हो सकता है, झुकना इतना ज्यादा इतना झुकना होगा कि आप सर जमीन पर सर रख देंगे बस, सजदे से आगे तो नहीं बढ़ सकता झुकना, तो सजदा गैर अल्लाह के लिए अगर ये शिर्क होता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने कराया शिर्क करा दिया, कि शिर्क का हुक्म दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। लोग इसका जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इसलिए जायज़ हो गया, हुक्म दिया तो हुक्म दिया का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने शिर्क का हुक्म दिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह ताला ने शिर्क का हुक्म दिया अगर वो शिर्क है। और जब आप कहते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया इसलिए शिर्क नहीं हुआ, तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि असल में अल्लाह की इताअत का नाम तौहीद है, कि हुक्म दिया हुकुम से बनती है चीज, हुकुम से बनती है चीज शिर्क या गैर शिर्क, ना के खुजू से बनती है।
झुकने झुकाने से नहीं बनती है बल्कि इदाद से बनती है, तो आप लोगों ने मान लिया इस बात। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सजदा जिसका जो हुक्म दिया था आदम अलैहि सलाम को, वो आदम अलैहि सलाम के लिए नहीं था बल्कि वो तो क़िबला थी, जैसे क़िबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं उधर क़िबला थे, सजदा तो ज़ाते बारी ही कुछ वो उनको क़िबले की हैसियत दी गई, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि कुरान करीम इस बात की सराहत करता है कि आदम अलैहि सलाम को जो सजदा कराया गया वो इसलिए कराया गया था कि आदम की अज़मत का इजहार किया जाए तमाम फरिश्तों के सामने, ये बताया जाए कि चूंकि ये इल्म साहिब इल्म इसलिए इनका एहतराम किया जाए, इनके आगे सर झुकाया जाए। इसलिए शैतान ने एतराज किया कि मैं इसको कैसे सजदा कर सकता हूँ जिससे असल में अस्जिदुलिमन खलकता हाजा अस्जिदुलिमन खलकता फीना, ये तो मट्टी से बना है और मैं तो आग से बना हूँ, मैं इससे अफजल हूँ, मैं अपने से मफजूल को सजदा कैसे कर लूँ। इन्हें वो मान रहा है कि सजदा आदम को कराया जा रहा है ज़ाते बारी को, नहीं ज़ाते बारी की बात होती तो शैतान को ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, क़िबले की बात होती थी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं इसको कब करा रहा हूँ, मैं तो अपने आप को करा रहा हूँ, ये तो खाली एक सिमत है साइड है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया उस जुदो ले आदमा, करो आदम के लिए सजदा, उस जुदो इला आदमा नहीं आदम की तरफ सजदा करो, उस जुदो ले आदमा करो आदम को सजदा, अल्लाह ताला फरमा रहा है और लोग फरिश्ते सजदा कर रहे हैं और मुशरिक नहीं हो रहे हैं। मालूम हुआ सजदा गैर अल्लाह को करना या खुदू तज़ल्लुल ये शिर्क नहीं है, बल्कि अल्लाह की इताअत से अगर इनकार कर देते तो ये तो खुदा की इताअत है हकीकत में, खुदा की इताअत। और ये आप बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, आप भी कहते हैं अरबी में गुलाम, गुलाम को कहते हैं गुलाम, वो होता है जो इताअत करता है, वो होता है गुलाम, और इबादत उसी से बना है, आप से बना है इबादत, लिहाजा गुलामी का नाम हुआ, गुलामी का नाम हुआ। इस्लाम इशार इसलिए करते हैं कि अगर ये बात नहीं मानेंगे और बात यूं कहेंगे कि नाम हुआ खुदा से मोहब्बत करने का, तो इयाक नअबुदु में हमारा जो एफिडेविट है, जो डिक्लेरेशन है, वो सिर्फ ये बनता है कि अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करेंगे। और ये कोई भी कह सकते हैं, ये तो लाला जी भी कह सकते हैं कि अल्लाह ईश्वर हम तुझसे प्रेम करेंगे, तो फिर सूर्य भागिया उनके ऊपर सादिक आ जाएगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं। इयाक नअबुदु अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करेंगे, ये तेरे लिए खुदू तज़ल्लुल करेंगे, तेरे ही आगे प्रार्थना करेंगे, इसमें क्या होगा, कोई भी कर लेगा। तो इबादत जो है पूरा वो निज़ाम कुरान करीम के अहकाम को मानने का नाम इबादत है, और कुरान करीम में चूंकि तमाम जिंदगी के बारे में तफसीलात और रहनुमाई है, और ऐसी कोई शय नहीं है जो हमें कुरान करीम से ना मिले, तफसील लिखी शय, तो मतलब ये होगा कि मुकम्मल रहनुमाई अल्लाह ताला की ना जिंदगी में या इबादत। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई एज पैच नहीं है, इसमें कोई एज पैच की बात नहीं है। अब उसको मूसा अलैहि सलाम जो कह रहे हैं यही दावा, अगर बात इतनी कहते खाली कि अल्लाह का प्रेम, तो अल्लाह का प्रेम तो फिरौन भी कर रहा है, तो कह रहा है रजुल मोमिन की तकरीर सुनाई थी पिछले हफ्ते, वो कब इनकार कर रहा है, इनकार नहीं कर रहा है अल्लाह को मानने से, झगड़ा किस बात का है इसमें, उसे ये डर क्यों लग गया कि अरे अगर ये बात मान ली तो हमारी हुकूमत छिन जाए, इन्नी अखाफ युबद्दिल दीनकुम औ युग़य्यिर दीन फसाद, ये तो हमें निकाल देना चाहता है, हमें हमारे मुल्क से निकाल देना चाहता है, ये बात कहाँ से आ गई। एक आदमी खुद ईश्वर की तरफ बुला रहा है, उससे प्रेम करो, कहाँ से निकल गए, निकल कैसे जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे अपने मुल्क से, कैसे निकल जाएंगे भाई, मान लो करो उसकी पूजा पद्धति चलाओ तो कहाँ से निकल जाएंगे। करते रहिए, एक अच्छी बात बता रहा है आपको, सच बोलने से आप अपने मुल्क से नहीं निकल जाएंगे, और शराब छोड़ने से आप अपने मुल्क से नहीं निकल जाएंगे, तो ईश्वर से मोहब्बत करने से कैसे निकल जाएंगे, क्यों निकल जाएंगे, ये इल्जाम क्यों लगा रहा है कि निकल जाएंगे। वो जानता है कि अल्लाह को सिर्फ इलाह वाहिद कहने का मतलब ये होता है कि मुझे पूरा वो निज़ाम तो तस्लीम करना पड़ेगा जो ये अल्लाह के नाम से पेश करेगा, और जब पेश करेगा तो हमारा पूरा गड़बड़ हो जाएगा जो हमने सिस्टम बना रखा है। वो इस बात को मान रहा है, वो समझ रहा है, इसलिए ये इल्ज़ाम लगा रहा है। वो तो कह रहे हैं अल्लाह की इबादत करो, ये उसका ये मतलब निकाल रहा है कि हमारे मुल्क से निकाल देना चाहता है, इसलिए वो समझ रहा है कि इबादत का लफ्ज़ कहाँ कहाँ तक जाएगा, कहाँ कहाँ तक जाएगा, खाली इतनी बात नहीं है कि सर झुकवा देंगे, ये तो पूरा गड़बड़ कर देंगे। वो उसकी अप्रोच को समझ रहा है फिरौन, इसलिए इस बात को कह रहा है। तो उसने कहा कि इन्ना वक़ौम काहिरून, हम सबको अच्छी तरह से इनके सिर पे सवार हैं, हम इनको कुचल देंगे घबराने की बात। इसके जवाब में मूसा अलैहि सलाम ने कहा इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, ए कौम अल्लाह से मदद तलब करो, नमाज नमाज मुराद होती है अल्लाह से, वस्बिरू सब्र करो, ये पैगाम दिया अपनी कौम को सब्र करो। और कुरान करीम ने आगे चल के बताया कि बनी इसराइल ने इस पैगाम पर अमल किया, इस प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने अमल किया, बिमा सबर हुआ दम्बर नामा करें, तो आगे कहा है कि हमने फिर बनी इसराइल को वो मुल्क वापस कर दिया क्योंकि उन्होंने सब्र किया, बिमा। तो इस प्रोग्राम को जो मूसा अलैहि सलाम फरमा रहे हैं बनी इसराइल ने कबूल किया। अल्लाह की इस्तियानत का मतलब क्या होता है, अल्लाह की इस्तियानत का मतलब जो है वो यही है कि अल्लाह से एक विल पावर मिलती है, तुम्हारी ताकत मिलती है, खुदा जो है ताकत का सरचश्मा है, और जब हम उसके आगे से झुकाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी नफसियाती मादी ताकत मिलती है। जब हमारे सारे सहारे टूट जाते हैं, कोई हमारा सहारा नहीं होता, सारे आसरे हमारे खत्म हो जाते हैं, कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, ऐसे अंधेरों में अल्लाह हमारे लिए उम्मीद का चिराग बन जाता है। इस्तियारत बिल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह जब हमारा दिल शिकस्ता हो जाए उस वक्त हम ताकत के उस खजाने से ताकत हासिल करें, और सब्र इस्तिकामत जो है मसाइब के तूफान के अंदर हमारे कदम मुतज़लज़ल ना होने पर अपना मंजिल मंजिल की तरफ हमारा सफर जारी है, यह है कामयाबी का नुस्खा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
उसकी दोनों बातों के मुकाबले में। उसने कहा था हम इनके औलाद को कत्ल करेंगे, इसका जवाब दे रहे हैं तुम खबर। और उसने कहा था हम हमारा मुल्क इनके ऊपर नाफाकुम कायरून, इख्तदार हमारा इनके ऊपर मुस्तहकम है। मूसा सलाम कहे इन अर्द वल्लाह, जमीन तो अल्लाह की है, यूरिस वहा मैं यशा उन इबादी, जिसको चाहे वो अदा करे। वल आकिबत लिल मुत्तकीन, लेकिन अंजाम कार जीते मुत्तकी। आखिर आकिबत का मतलब होता है रिजल्ट, अंजाम कार अंजाम, पीछे की आकब कहते हैं पीछे, आकिब जो बाद में चीज आती है, बाद में चीज आती है किसी चीज का जो जो रिस्पॉन्स होता है उसको कहते हैं। तो अल आकिबत लिल मुत्तकीन यानी अंजाम जो है वो मुत्तकीन होता है, बिल आखिर वही कामयाब होता है। तो आकिबत का मतलब और मुत्तकीन का मतलब दोनों मैं आपको समझा चुका हूँ तफसील के साथ पिछले दर्स में। قالوا اذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا, कहने लगे मूसा इस्लाम से कि आपसे पहले भी सताए जा रहे थे हम, आप और अब भी सताए जा रहे हैं, आप तो हमें वो कुरान दे रहे हैं जो पिटने की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो पिटवाएंगे आप हमें। फिरौन के मुकाबले में आप जमने की बात कर रहे हैं, इस्तकामत की बात कर रहे हैं, मुकाबला करने का आप हमें दर्स दे रहे हैं, ये क्या हजरत आप तालीम कर रहे हैं, तो मरवाने की बात कर रहे हैं। اذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا, ये कहा मूसा अलैहि सलाम ने ज़ियारत का नमाज प्रोग्राम करने का प्रोग्राम दिया, नमाज का और खबर का प्रोग्राम दिया। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि ये कोई माफ़ूल फितरी प्रोग्राम नहीं है, ये मतलब नहीं है कि नमाज कायम करना कोई गैर मातबी कोई चीज है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में जो फैसले फरमाता है कामयाबी और नाकामी के, वो इस अस्बाब के दायरे में फरमाता है, इस दुनिया में अस्बाब उसके दायरे में फरमाता है। खुदा की मदद का मतलब क्या होता है, तो आप खुदा की जो मदद होती है नेककारों के साथ उसका मतलब क्या होता है, जब सब अस्बाब के दायरे में है, हमारे पास अगर अस्बाब हैं और गैरों के पास भी अस्बाब हैं, जिसके पास अस्बाब ज्यादा है वो जीत जाएगा, लेकिन मुसलमानों के लिए कहा गया कि अगर थोड़े भी होंगे तो ज्यादा तक जीत जाएंगे। कम मिन कैदिन कल्लियतिन गलबत कैदिन कसीदबिल्ला, कम अस्बाब के साथ ज्यादा अस्बाब पर गालिब आ जाएंगे। ऐसा क्यों है, अगर सारे फैसले अस्बाब से सालम अस्बाब में होते हैं तो फिर ऐसा क्यों है, चीज़ों ही से सारे फैसले होते हैं तो फिर अहले हक कम अस्बाब के बावजूद क्यों जीत जाते हैं। इसको आप समझें कि दुनिया अल्लाह ताला ने अस्बाब बनाई है, ये फायदा है, ये फकीदे का मतलब है, लन सजदा इस्म बिल्लाह तब्दीला, खुदा के कानून में तब्दील नहीं होती, सिर्फ अंबिया इकराम के लिए तब्दील करता है अल्लाह ताला। अंबिया इकराम हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे जान के टुकड़े कर दिए, ये अस्बाब से बाहर की चीज, या उंगलियों से चश्मे बहा दिए, ये अस्बाब से बाहर की चीज, या मूसा अलैहि सलाम ने लाठी से जो है सांप बना दिया या दरिया फाड़ दी, ये अस्बाब से बाहर की चीज, या इस्माइल अलैहि सलाम को आग में डाल दिया गया और आप नहीं जले, ये अस्बाब से बाहर की चीज। आम आदमी के साथ ऐसा नहीं होता, आग में डाले जाते हैं तो जल जाते हैं, तो ये अंबिया इकराम के साथ होता है, याद रखें ये अंबिया इकराम के साथ होता है। ये जो दलील सदाकत होती है अल्लाह ताला इसलिए जाहिर करता है मौजज़ात को उनके हाथ पर कि ये साबित हो कि ये मेरे पैगंबर हैं, इसलिए करता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर हम सारे लोग नमाज पढ़ने लगे सुबह शाम तो तस्बीहात पढ़ने लगे तो हम सब भी साहिब मौजज़ा बन जाएंगे, जब चाहेंगे चांद के टुकड़े कर दिया करेंगे, जब चाहेंगे दरिया फाड़ दिया करेंगे, इसका ये मतलब नहीं होता है। उंगली में कोई ऐसी पावर भर जाएगी यूं की और चांद के टुकड़े हो गए, ये तपस्या से पावर भर जाना ये हिंदुओं का नजरिया है। तपस्या करने से आदमी को जिस्मानी ताकत या रूहानी ताकत मिल जाती है, कोई चमत्कार मिल जाते हैं, ये हिंदुओं का नजरिया है। इस्लाम जो है आलम अज़ाब का कायल है, और पैगंबरों को जो मौजज़ात दिए जाते हैं वो कसबी नहीं होते बल्कि वाहबी होते हैं, खुदा की तरफ से अदा किए जाते हैं, अमाल के नतीजे में नहीं दिए जाते। उसको आप समझें कि ये जो नमाज के अल्लाह ताला पैगाम दे रहा है ये खालिस एक मादी प्रोग्राम दे रहा है बनी इसराइल को, हालांकि पैगंबर खुदा वहाँ मौजूद है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़ात भी दिखा रहे हैं दरिया भी, लेकिन कौम को जो पैगाम दिया जा रहा है वो खालिस मादी अज़ाब के दायरे में। मैंने आपको बताया था नमाज मुस्तहकम करती है, नमाज हमारे अंदर इज्तिमाईयत पैदा करती है, नमाज हमें एक आवाज पर झुकना सिखाती है, टाइम की पाबंदी सिखाती है, नमाज हमें अंदर डिसिप्लिन पैदा करती है, नमाज हमें अल्लाह ताला से जोड़ती है, नफ्स की ताकत हमारे अंदर पैदा करती है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो मुसाइब और मुश्किलात के मुकाबले में एक कौम को चट्टान बना देती है, ये खाली एक माती चीज़ है। लेकिन कम अस्बाब के साथ अहले हक इसलिए जीत जाते हैं कि मुख्तलिफ हालात में अस्बाब मुख्तलिफ नतीजे पैदा करते हैं। यह है माचिस की तीली जो है आप आग लगाएंगे, अगर खुश्क है लकड़ी तो जल्दी जल जाएगी, गीली लकड़ी देर में जलेगी, हालांकि अस्बाब हैं लेकिन मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ नतीजे पैदा होते हैं। और तौफीक का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला अस्बाब को अहले हक के लिए इस तरह मुरतब करता है कि अस्बाब हमेशा माफिक नतीज पर, अस्बाब को इस तरह मुरतब करके लाता है कि होते अस्बाब हैं लेकिन माफिक नतीज पर आते हैं। ये है तौफीक, इसको तौफीक कहा करते हैं, यानी अस्बाब को इस तरह माफिक कर देना, इस तरह से हमवार कर देना कि वो हमेशा माफिक नतीज पैदा करें, मुखालिफ नतीज ना पैदा, ये अहले हक को अल्लाह ताला अता फरमाता है। तौफीक यानी माफिक पैदा कर, माफकत पैदा कर, ये अहले हक को अल्लाह ताला अता फरमाता है। के मिसाल के ऊपर आप जा रहे हैं, आपके बच्चे को बीमार है और आप गए और आपने दे दी उसको दो चार पैसे की चीज खिला दी, ठीक हो गया, पेट सही हो गया उसको। एक साहब है ले गए किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास, उसने जो है उनका केस बिगाड़ दिया, उनके सैकड़ों रुपये खर्च हो गए, हालांकि दोनों अस्बाब के दायरे में काम कर रहे हैं, लेकिन एक का काम थोड़े से पैसों में हो गया, एक का काम और पैसों में हो गया। अस्बाब को इस तरह मुरतब करना
कि कम चीजों से ज्यादा नतीज पैदा हो जाए, ये अल्लाह ताला अहलियात के साथ करता है। ये मतलब नहीं कि अल्लाह पर कानून तोड़ देता, ये मतलब नहीं। हुजूर अकदस अलैहिस्सलातु तस्लीम तक जब आते हैं, इतने आपका पैगंबर आखिरी जमा है, और अगर खलक अस्बाब होता तो आपके लिए होता, अगर सारे फैसले दुआओं के लिए होते तो आपके साथ होते, क्योंकि आपकी दुआएं तो अर्श इलाही को भी हिला देती, आपके साथ होते। लेकिन जाहिर है कि जो कुछ भी हुजूर अकदस ने किया वो ह्यूमन लेवल के ऊपर किया है। आपने जख्म खाए हैं, आपने सांपे किए हैं, आपने पेट में पत्थर बांधे हैं, आपने जो है तलवार चलाई है, आपने चरके खाए, घरों में गिरे हैं, जिंदाने मुबारक शहीद किए हैं, ये सब कुछ किया है आपने। क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी थी, ये सारा इस तरह से करने की जरूरत क्या थी? बस एक दुआ करते आप तबाह बर्बाद हो जाते, दोनों ताइफ के पहाड़ मिल जाते, ताइफ की पूरी कौम फिसल जाती, मशीकी ने मक्का का पूरा इलाका लौट जाता, इस्लाम की दुनिया में परचम लहरा जाता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला दावत हक के जद्दोजहद को अस्बाब के दायरे में रखना चाहता है। पैगंबरों को जो मौजजात किए जाते हैं वो उनका पूरा प्रोग्राम नहीं होता। पैगंबरों की सूरत सीरत जो होती है वो कोई शोबे या मौजूदों की दास्तान नहीं हुआ करती है। मौजूदे होते हैं बस, जो मुस्तकबिरीन होते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, लेकिन ये कि दीन हक जो गालिब हो वो मौजूदों के बल पर होता है, ये अल्लाह की सुन्नत है। जद्दोजहद के नतीजे में होता है, कशमकश के नतीजे में होता है, मसाइल हिजरत करना पड़ रही है, फाके करना पड़ रहे हैं, 3 साल शैब अबी तालिब में वहां पर हिजरत करके जा रहे हैं, कैसे कैसे हालात से गुजर गए तब कहीं गालिब कर पाए, तो मिनटों में एक्सीडेंट हो जाता सारा काम। तो ये है असली को आप समझें कि ये है तवक्कुल का मतलब, ये है कि जो कुछ हमारे पास है वो सब हम दीन की राह में खर्च करते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह इन थोड़े बहुत असबाब के जरिए बड़े नतीजे तू करे। लेकिन जो कुछ हमारे पास पहले ले आए, जैसे हुजूर जंग बदर में जा रहे हैं तो 8 तलवारें आप लेकर के गए, 2 घोड़े आप लेकर के गए, 8 तलवारें लेकर के गए हैं, अगर 8 ही थी आपके पास, 8 में से 7 लेकर नहीं गए। अगर ऐसा होता 8 में से 7 लेकर के जाते और 1 छोड़ जाते घर पर, तो बात थी जितनी थी 8 थी तो 8 हो ले गए, जितने भी असबाब आपके पास इकट्ठे कर सकते थे गलत वो सब आप ले गए, और ले जाकर दुआ मदीना में बैठ के नहीं मांगी, बल्कि ऐन मैदान जंग में जाकर अरिश के ऊपर जाकर के मांगी, अल्लाह जो कुछ मैं कर सकता था मैंने कर लिया, और अब ये चंद लोग तेरे हवाले हैं, अगर तू आज इस मैदान में खत्म हो गए तो क़यामत तक तेरे दीन के नाम बुलंद करने वाला दुनिया में कोई रहेगा। दुआ मांगने का टाइम देख रहे हैं अब कब है, नहीं तो मदीने में मांग लेते आप वहीं से चलते वक्त। जब पूरे असबाब डाल दिए, लाकर ताकतें निचोड़ दी, तो खुदा क्या कहे, क्योंकि ये होता है, और हमारे यहाँ ये है कि आपका सारा काम अल्लाह ने सुना। आप हमारे बहुत अच्छे हैं, इसको जब तबाही के घड़े में डाल दें और उसके जो है तरफ से दीन को बचा दें, वो सारा काम आप कर दें, मिनटों में हो जाएगा, हमें जाए भी नहीं, ये फरमा वो मत फरमा, ये अल्लाह ने आगे जो आदेश सुन दी सुनी जाती है। अल्लाह ने आती है, हमारे तो सावन तो है नहीं, जो सावन तो हमें अपनी नायली का रहना है, जिसको हम दुआ पर देने से पहले दुआ का वक्त वो होता है जब हम अपनी सारी किताब दवा अल्लाह के आगे डाल दें, ले जाकर उसके बाद दाखिल करें। इसकी मैं तफ़सील आपको पुरानी आयत की रोशनी में समझा चुका हूँ। इस मतलब वल आखिर मुद्दीन तो कहा कि मूसा तुमने पहले भी, तुम्हारे आने से पहले भी सजाए जा रहे थे और अब भी फिट रहे हैं हमसे। قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم, موسى علیہ السلام نے کہا شاید عسى, شاید تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے کا, یعنی جب مظالم کی انتہا ہو جاتی ہے اور جب تم یہ شکایت لوگ کرنے لگتے ہیں کہ وہی نام ان کو بھی انتہا کے نام بعد میں آتی ہے کہ ہم تو ستاتے ستاتے پریشان ہو گئے, جب یہ شکایت زبانوں پر آ جاتی وہی تو وقت خدا کی مدد کا ہوتا ہے, حتی اذا استیسر الرسول وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا, جب رسول بھی مایوس ہو جاتے और यूं समझते हैं कि अब तो हम झुकला दिए गए, या हम न सुनोना उस वक्त हमारी मदद, यानी जब मायूसी का एक आलम कारी हो जाता है और कहीं से उम्मीद का कोई उजाला दिखाई नहीं देता, उस वक्त खुदा की मदद मौजूद है। हम हसी तुम अंतुक रखो वलम्मा यातिकुम मसलु लदीन खरु मिन कब्लिकुम मसलुहुम अलबासा व अलगार व ज़ुलज़िलु हत्ता यकूल अर्रसूल व लदीन आमनु मअहु मता नसरुल्लाह, तुम समझते हो कि तुम ऐसे छोड़ देंगे हम अंतुक रखो, अभी तुम्हारे पास उनकी तो खबरें आई नहीं जो तुमसे पहली कौमें गुजरी हैं, वो उनको मुसीबतें आई मुश्किलात आई झंझोर डाले गए, हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीन आमनू मअहु, यहाँ तक कि रसूल भी पुकार उठे और मोमिन भी पुकार उठे, क्या कि मता नसरुल्लाह, आखिर खुदा की मदद क्यों नहीं आती, पुकार उठे ये हालात बन गए, अला इन नसरुल्लाहि करीब, हालांकि उस वक्त खुदा की मदद थी। ये वक्त जब शिकायत जबानों पर आने लगती है, मता नसरुल्लाह का लफ्ज आ जाता है जबानों पर, ए अल्लाह तेरी मदद क्यों नहीं आती, उस वक्त अल्लाह की मदद थी। तो मूसा अलैहि सलाम चूंकि जानते हैं कानून इलाही को, क्योंकि फरमा रहे हैं कि आज तुमने मुझसे ये बात कही है कि हम फिट रहे हैं, सजाए जा रहे हैं, हमारे हालात नहीं सुधर रहे, रोजी ना मन कभी अंदा देना और इमारी मार देना, इसका मतलब शायद यह है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करें। قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم, शायद खुदा अब तुम्हारी मदद करना चाहता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हवा घुस जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि बारिश होने वाली है। عسى ربكم ان يهلك عدوكم, शायद खुदा अब तुम्हारी मदद करना चाहता है,
ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ويذكرنا چاہتا ہے کہ تم زمین میں تمہیں زمین میں بادشاہ بنانا چاہتا ہے ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کرتے ہیں۔ اب اس حکم میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح قوم فرعون کو اللہ تعالی نے برباد کیا۔ اب وہ جو اللہ کا جو قانون عذاب ہے وہ کس طرح شروع ہوتا ہے، کیسے وہ قوم برباد ہوتی ہے، کیسے بنی اسرائیل جو ہے وہ عروج حاصل کرتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالی جب یہ نوبت آ گئی اتمام حجت ہو چکا ہے تو اب کس طرح سے حالات کا جو ہے دھوری بدلتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، پکڑ لیا ہم نے فرعون والوں کو قحط میں، وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور پیداوار کی کمی، پکڑ لیا ہم نے فرعون والوں کو۔ آپ یہ قانون الہی پہلے آپ جان چکے ہیں کہ میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے مصیبتیں ڈالتا ہے، مشکلات ڈالتا ہے، پھر خوشحالی لاتا ہے، پھر خوشحالی لاتا ہے اور اس کے بعد اپنا عذاب وہ لاتا ہے۔ پہلے تھوڑا سا تنبیہات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جگاتا ہے، تجربہ پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش ہوتی ہے، آزمائش سے قوم سدھرتی نہیں تو حالات خوشگوار کر دی ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے ان کو تھوڑی تنبیہات دی، ہم نے قحط ڈالا، ہم نے ان کے اوپر جو ہے کم پیداوار کی آزمائش ان کو بڑھائی، نقصان میں ثمرات لعلہم یذکرون تاکہ شاید کچھ نصیحت آئی۔ یہ نصیحت کے لیے تھا، عذاب نہیں تھا۔ فاذا جاء تو اعلی فرعون، جتنے بھی فرعون والے تھے، جو بھی فرعون کا جھنڈا اٹھانے والے تھے، اس کے اقدار کا اٹھانے والے، سب کے اوپر ڈالا، سب اس کے شکار ہوئے۔ جب کبھی بھی خدا تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں یا عذاب آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں سارے وہ لوگ جو غلط اقدار، غلط اس کے شریک رہے، وہ سب کے سب اس میں شریک ہیں۔ یہ بات نہیں کہ صرف بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہی رہ جاتے ہیں اور باقی جو لوگ پچھلے گو ہیں وہ ان سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ فرمائے اعلیٰ فرعون، پورے کے پورے فرعون والے جتنے بھی تھے وہ سب قحط اور کم پیداوار کا شکار ہوئے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ تو قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب اچھے حالات ہوتے تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ ہماری کوششوں کا ثمرہ ہے، ہماری بھاگ دوڑ، ہمارے گٹھ ہیں، ہم نے حالات کو سدھار لیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن، اور برے حالات ہوتے تو کہتے سب موسیٰ اور لوگوں کی گڑبڑ پھیلائی، سب ان کی نحوست ہے، سب ان کی نحوست ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، فصل اگر اچھی ہو گئی تو یہ کہتے نہیں کہ ہمارا جو 5 سالہ پروگرام ہے ہم نے بہت شاندار طریقے سے چلایا ہے، ہماری گورنمنٹ کی کامیابیاں جو ہیں اخبار میں چھپنے لگتی، اور ذرا فصل خراب ہو جائے تو بھگوان کی مرضی، بھگوان نے بارش نہیں کی، بھگوان نے حالات بگاڑ دیے، سب اس نے گڑبڑ کر دیا۔ اچھائی ہے تو وہ اپنے کھاتے میں جاتی ہے، برائی ہے تو بھگوان کے کھاتے میں جاتی ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ یا پھر اپوزیشن پارٹیز کے کھاتے میں جاتی ہے، جتنے بھی فساد ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ جتنا فساد پھیل رہا ہے وہ سب میری اپوزیشن پارٹی پھیلا رہی ہے، امن و امان میں ہو جاتا تو کہتی ہم نے کر دیا، ہماری وجہ سے۔ بالکل وہی ذہنیت ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اچھے حالات ہیں تو کہہ رہے ہیں لنا حاضی، یہ سب ہماری کوششوں کا ثمرہ ہے، سب ہمارے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَعَهُ، برے حالات ہوں تو کہیں ان کی پھیلائی ہوئی نحوست ہے، نحوست آ رہی ہے ان کی، دیوی دیوتا ناراض ہو گئے ہیں ہم ان کی غلط غلط باتوں کی وجہ سے، یا یوں کہیے کہ ملک میں ایسا فساد پھیلایا ہے کہ ترقیاتی سرگرمیوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہو پا رہی ہے، سب گڑبڑ ہوئی جا رہی ہے، نہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے، نہ کچھ ہو پا رہا ہے، سب انہیں کی نحوست ہے۔ چاہے تو آپ چاہیں تو اس طرح تو ترجمہ کر لیں اس کا، اور چاہے تو اس طرح کر لیں کہ وہ دیوی دیوتا ہم سے روٹ گئے ہیں اس لیے سب گڑبڑ ہو گئی۔ جب طیروں مسلمان اللہ انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون، خبردار کے ساری قسمتیں خدا کے ہاتھ میں، ایک اصول کے تحت ہوتا ہے یہ سب کچھ، دنیا اس بات کو جانتی ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ سب یہ سب کچھ ہماری تدبیر اور ہمارے پلاننگ کے نتائج ہوتے ہیں، یہ سب خدا کی پلاننگ کے نتائج ہوتے ہیں، دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ گہرا تعلق ہے انسان کے اعمال سے اور قوموں کے اعمال سے، ان قسمتوں کا اور تقدیروں، جو عروج زوال آتے ہیں، جو دنیا میں مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اس کا گہرا تعلق ہے اس رویے سے جو قوم برتتی ہے، لیکن لوگ اس اصول کو جانتے ہیں، بس ادھر ادھر پھینکنے لگتے ہیں کہ دیوی دیوتا ناراض ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ جہالت کی بات ہے، لوگ اس کو جانتے نہیں۔ وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، اور کہنے لگے موسیٰ تم کتنا بھی جادو کر لو ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تم نے قحط کر دیا ہے، تم نے بارش رکوا دی ہے، تمہارا جادو ہے، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ مخالفت میں آدمی اتنا پاگل اتنا اندھا ہو جاتا ہے، کیا منہ سے بھونک رہا ہے اس کو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا، ایک پورے ملک میں کسی جادو کے زور سے بارش رکوائی جا سکتی، یہ کوئی مان لے گا؟ ایک جادوگر نے پورے ملک میں بارش روک دی، قحط ڈال دیا، فصلیں پٹ ہو گئیں، محض ضد اور عناد۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فانظر کیسے بناتے ہیں مسلمین، وہ محض موسیٰ کی ضد میں ایسا کہہ رہے تھے لیکن ان کے دل حقیقت میں جانتے، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ صرف ضد میں آدمی ایک جادو کہنے لگے وہ اس چیز کو کہ تم کتنا بھی جادو کر لو ہم تمہارے پہ ایمان لانے والے نہیں۔ فارسل علیہ طوفان، اب خدا تعالیٰ کی مزید گہری تنبیہات آنا شروع، مزید سخت تنبیہات اللہ تعالیٰ کے آنا شروع۔ فارسل علیہ طوفان، ہم نے ان کو پر جو ہے اولے کا طوفان، والجراد ٹڈیاں ہم نے ان کو کھیت پر بھیجی، والقمل گیہوں ہم نے یعنی گھن گیہوں میں لگ جاتے ہیں وہ ہم نے ان کو بھیجی، یعنی فصلیں بالکل پٹ ہو گئی،
पहले तो ओले बरसे फसलों के ऊपर, जो बचा कुचा उसको टिड्डियां खा गई और जो बचा कुचा ना जाए उसमें घुन लग गया। ये हुआ, हमने पूरा एक पूरा उन तक जो है उनकी इक्तिसादी क्राइसिस ऐसा पैदा किया कि पहले हमने ओले का तूफान और उसके बाद हमने टिड्डियों का दल दल और उसके बाद हमने उनकी घुन हमने भेजी और उसके बाद भी जो कुछ रह गया था उसने उनकी तलख कर दी। बस दफा आ गया, मेंढक फैल गए सारे मुल्क में, वह दम और खून। तौरात ही बताती है, तौरात की तफसीर है कि खाना खाते तो उसमें जो है सुरसुर पानी उनको दिखाई देता, दरिया उनको सुरसुर दिखाई देते, हर तरफ जो है खून 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 जैसा उनको नजर आता था। तो पानी नहीं पीते थे डर के मारे, खाना नहीं पकाते थे उस पानी में डर के मारे। ये गाजाब आयाती मुफसलात, ये सारी निशानियां जिनकी तफसील बयान कर दी गई है, कहाँ कर दी गई है? कुरान करीम में तो नहीं कर दी गई, आयाती मुफसलात ज़ाहिर के तौरात की तरफ इशारा है कि तौरात में सारी निशानियों की तफसील बयान कर दी गई। फस्तकबरू वकानू कौम मुजरिमीन, लेकिन खुदा की इन तंबीहात से उनमें अल्लाह की तरफ डर नहीं पैदा हुआ बल्कि और तकब्बुर इख्तियार किया उन्होंने, और भी ज्यादा अकड़ गए। बजाय इसके कि झुकते, दिल में अल्लाह की तरफ तजर्रो आता, खुदा का खौफ आता। यही होता है मकसद खुदा की आजमाइशों का, लेकिन ऐसा नहीं किया, अपने आप को मुस्तहिक अज़ाब बनाया। मुजरिम ज़हन लोग थे, कानू कौम मुजरिमीन क्योंकि मुजरिम ज़हन लोग थे, और मुजरिम ज़हन लोग कभी भी सबक हासिल नहीं किया करते, इसलिए उन्होंने सबक हासिल नहीं किया और तकब्बुर का रवैया अख्तियार किया। वलम्मा वक़ा अलैहिम रिज़्ज़ु क़ालू या मूसा ज़ु लना रब्बका बिमा अहद इंदक, और जब मुश्किलें अज़ाब उनके ऊपर आए, मुसीबतें उनके ऊपर आई, रिज़्ज़ यानी तबाही उनके ऊपर आई, कहने लगे ऐ मूसा अपने रब से हमारे लिए दुआ करो क्योंकि वो तुम्हारी बात मानता है। तो मान रहे हैं कि दुआ मूसा अलैहिस्सलाम की बात होती है, ये मान रहे हैं कि रब है मूसा अलैहिस्सलाम का, रब से दुआ करो बिमा अहद इंदक लइन कशफ्ता, और अगर तुमने हम से हटा दिया अन्नर रिज़्ज़ा ये सब तबाही हटा दी, लनूमिनन लक हम तुम पर ईमान ले आएंगे, वला नुरसिलन मअका बनी इसराइल और बनी इसराइल तुम्हारे साथ भेज, तुम्हारा ये तो चाहते हो ना अपनी कौम को आजाद कराना, ले जाना यहाँ से, हम भेजेंगे, तुम्हारा मुतालबा तस्लीम है, जो तुम मुतालबा कर रहे हो तस्लीम है, तुम हमारी बात करा दो। फलम्मा कशफना अन्हुम रिज़्ज़ा इला अजलिन बालिगू, और जब उन पर से मुसीबतें हट जाती थी एक मुअय्यना मुद्दत के लिए, इज़ाहुम यन्कुसून फिर पलट जाते थे, फिर पलट जाते थे, फन्तकमना मिन्हुम, अब जाहिर की आजमाइशों का मजा खत्म हुआ, अच्छे हालात भी आ गए, अब अल्लाह ने अज़ाब का फैसला फरमाया, फन्तकमना मिन्हुम फअग़रकनाहुम फिल यम, फिर हमने उनसे इंतकाम लिया और हमने उनको जो है नजर आप कर दिया, हमने उनको जो है गर्क आप कर दिया, फअग़रकनाहुम फिल यम बिअन्नहुम कज़बू बि आयातिना, क्योंकि उन्होंने हमारी आयात को झुठलाया था। खुदा के अज़ाब गोया दुनियावी अमाल की बिना पर आते हैं, उन्होंने हमें हमारे झुठलाया था चूंकि, इसलिए हम अज़ाब को बदलाए, हमने उनको निशान इबरत बना दिया। आज तुम जो है तकब्बुर और गुरूर की वजह से तुमने इनकार किया है, लेकिन आज हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हारा जिस्म और तुम्हारे जिस्म को निशान इबरत बना के रखेंगे। कुरान करीम की इस आयत की सदाकत देखें कि आज तक फिरौन का जिस्म महफूज है, मौजूद आज तक मौजूद, आबादी सलातीन से 1898 में जिस लाट ने दरियाफ्त किया उसको, और उसके बाद लाया काहिरा 1907 में उसका जो चादर उतारी गई बिल्कुल सही हालत में, और जून 1975 में जो डॉक्टर मौसम गायल फराज के हैं उन्होंने बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी की, उसके अंदर तक की जो है उन्होंने एक्सरे लिए सारे के सारे, वो बिल्कुल महफूज अब तक वो कुरान करीम की आयत की सदाकत देखें आप कि महफूज रखेंगे, निशान इबरत बना के रखेंगे, तो मगरूरों का अंजाम क्या होता है दुनिया सीखे तुम्हें देख, तो इसको अल्लाह ताला फरमाया कि अलियोम उन्होंने ठीक अभी बदन ही के लिए तकून अली बन खल्फ का आया, फंतकमना मिनहुम फअग्रकनाहुम फिल यम, हमने उनसे इंतकाम लिया और हमने उनको गर्क आब कर दिया, मैंने हम तस्बूत आया थी ना क्योंकि उन्होंने हमारी आयात झुटलाया था, वकानु अन्हा गाफिलीन, वो हमसे गाफिल हो गए, वअवरसनल कौमल लजीन कानू युस्तज़अफून मशारिकल अर्ध व मगारिबहा अल्लती बारकना फीहा, और हमने उस कौम को जिसको कुचल दिया गया था, जिसको दबा दिया गया था, वो बनी इसराइल की कौम जो मुल्क मिस्र में दबा दी गई थी, 20% की तादाद में उस मुल्क में थी वो, और उसको बसर इकदार कौम ने दबा दिया था उसी मुल्क में जिसमें उनकी हुकूमत रही सैकड़ों साल, उस कौम को हमने एक बार फिर वारिस बना दिया उस मुल्क का, और एक बार फिर वारिस बना दिया, अल कौम अल्लज़ी ने कानू युस्तज़अफून, वो कौम जिसको कुचल दिया गया था, जिसको ज़ईफ बना दिया गया था। कुरान करीम ये हकीकत बता रहा है कि किसी मजबूर और मखूर कौम के ऊपर जो हालात आते हैं वो अज़ाब नहीं हुआ करते हैं बल्कि वो बसरे इक़दार तबके की साजिश होती है कुचल, युस्तज़अफून कुरान करीम बनी इसराइल को कोई दोष नहीं दे रहा है बल्कि वो फिरौन वालों को कह रहा है कि उन्होंने इनको कुचल दिया, युस्तज़अफून मशारिक अल अर्ज व मगारिबा, मुल्क के तूलो अर्ज में कुचल दिया गया था उनको, अल्लाह ताला ने दोबारा उनको औरस ना वारिस बना दिया उसी सरजमीन, उसी सरजमीन। दूसरी बार कुरान करीम ने कहा कि वो लोग निकल गए अपने मिन जन्नाति व उयून व कुनूज़ व मकामिन करीम, कम तरकू मिन जन्नाति व उयून व कुनूज़ व मकामिन करीम कज़ालिक व औरसनाहा बनी इसराइल, छोड़ के चले गए अपने सारे बाग सारे महल्लात और उन सारे महल्लात का वारिस हमने बनाया बनी इसराइल, कम तरकू मिन जन्नाति व उयून व कुनूज़ खजाने भरे हुए छोड़ गए,
तो मकाम करीम तख्तदाज सब छोड़ गए अपना। कजालिक इस तरह वह औरत नहा बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल को हुस्नुल गवारिस बना दिया। ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض, हम ये चाहते थे कि ये कमजोर कौम जिसको बजुल मसीतम तोड़े गए हैं एक तवील अरसे तक, हम इसको उठाएं अपने एहसान को। نمن على الذين ونجعلهم ائمة, हम उनको एक बार फिर पेशवा बनाए। ونجعلهم الوارثين, और वो मुल्क इनको दोबारा अता करेंगे जिसे छीन लिया गया। ये बनी इसराइल की अल्लाह ताला ने शास फरमाया कि हमारा फैसला ये था। وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا, और मेरा वादा जो बनी इसराइल के बारे में मैंने किया था वो पूरा, क्योंकि उन्होंने सब्र किया। हमने वारिस बना दिया, कुरान करीम ये कह रहा है हमने वारिस बना दिया। यहां से लोग पकड़ लेते हैं कि हुकूमत और सल्तनत तो ये खुदा दिया करता है, इसलिए जद्दोजहद नहीं की जाती। ये तो पकड़ लेते हैं ये खुदा का अतिया है, ये खुदा की इनायत है, उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश करना ये इस्लाम में कहीं नहीं आया कि उसके लिए हम कोई प्रोग्राम करें, उसके लिए हम कोई नक्शा अमल तय करें। और कुरान करीम यहां भी कह रहा है कि हमने उनको वारिस बना दिया, यानी अल्लाह वारिस बनाता है। आपकी इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला इशारा फरमा रहा है कि हमने इसलिए वारिस बनाया क्योंकि उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहरा किया। बिमा सबरू, अपनी तरफ निस्बत करने के साथ साथ बनी इसराइल के फेल की निस्बत भी बता रहा है। वो इसके नतीजे में हकदार बने, इसके नतीजे में ये दिन देखना पड़ा कि वो वारिस बने उसी मुल्क, क्योंकि उन्होंने सब्र किया। बिमा सबरू, इसलिए बढ़ाया ताकि कोई औरत ना से गड़बड़ ना कर सके। ये सब लमिया का काम है, लमिया करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत क्या है। क्योंकि उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहरा किया, 20 लाख की तादाद में वो कौम थी, एक पेशवा की क्यादत मुतहद हुई और बनी इसराइल के साथ ने फिरौन के सारे मजालिम के मुकाबले में उन्होंने अपने आप को एक दीवार बनाया और मूसा अलैहिस्सलाम की एक आवाज पर उन्होंने लपक कहा, एक आदमी भी ऐसा नहीं रहा जो रह गया, ऐसा बेमिसाल एक जहदी उन्होंने पैदा किया। फिरौन के मजालिम ने उनके अंदर जो इस्तिकामत और बर्दाश्त की ताकत पैदा की, उसने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो दीवार को उलट दें। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कौम पर मजालिम की इंतहा हो जाती है तब उसी कौम के अंदर जौहरे कामिल पैदा होता है, तब उसके अंदर सब्र इस्तिकामत की सलाहियत पैदा होती है। जब कोई कौम उन मजालिम से गुजरती है जो फिरौन ने बनी इसराइल के ऊपर तोड़े, तो उस कौम में फिर हालात से मुकाबला करने की ताकत पैदा अपने आप होती है, जिसको कुरान करीम ने सब्र से ताबीर किया। और इस ताकत के नतीजे में खुदा जो है उलट दिया करता है, सारे आदाद शुमार बदल दिया करता है। इसके नतीजे में तो निस्बत यकीनन खुदा की तरफ है हर चीज की, अल्लाह ही देता है तो रोजी भी तो अल्लाह देता है, रोटी भी तो अल्लाह देता है। रज़क़नाहुम, हम देते हैं रिस्क, जब हम देते हैं रिस्क तो आप काय को नौकरी करते फिरते हैं, फिर अल्लाह की तरफ बनने का इंतजार क्यों नहीं करते, वो भी तो अल्लाह ही देता है, जिसका वादा भी तो अल्लाह ही ने किया है तो उसका जो है, और औलाद का वादा भी तो अल्लाह ही ने किया, तो ये निकाह की सारी भागदौड़ क्यों करते हैं आप, जद्दोजहद क्यों करते हैं। पली पलाई औलाद आसमान से नाजिल हो, पले पलाए खान रोटी नान गोश्त आसमान से नाजिल होने चाहिए आपके लिए, जब अल्लाह ने इसका वादा किया है तो वादा जब अल्लाह ने विरासत अर्जी का किया है तो इसमें आप हाथ हाथ करके बैठ गए कि तो अल्लामिया का काम है, अल्लामिया करेगा, हम तो खाली फरमा मत फरमा करेंगे, तो अल्लामिया का काम है, अल्लामिया करेगा। तो ये सारी नस्बतें तो अल्लाह ही की तरफ है, रोजी रोटी ये सारे वादे भी अल्लाह ही ने किए, इसके लिए हम अपनी बिसात पर जद्दोजहद करते हैं, तो फिर विरासत अर्जी का ये वादा जो अल्लाह ने अपने लिए किया है इसके लिए भी तो हमें ही जद्दोजहद करना होगा, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने रोजी का वादा जरूर किया है। परिंदों को भी अल्लाह ने रोजी देता है ये ठीक है, लेकिन किसी परिंदे की चोंच में दाना अल्लाह ने नहीं डालता है, दाने तक परिंदे को अपने आप जाना पड़ता है, ये खुदा का कानून है, दाने तक परिंदे को अपने आप जाना पड़ता है दाने की तलाश में। तो इसलिए यहाँ पर ये कह देना कि ये तो मऊद है मकसूद नहीं, 4 दिन पहले मौलाना अख़लाक़ुल क़ादिरी साहब का मुरासला कौमी आवाज़ में शाया हुआ, हिमाकत आमेज बात इस पर आजकल वो कर रहे हैं, हैरत होती है, तो मऊद है मकसूद है, हम मकसूद नहीं, अरे मऊद हर चीज मऊद है दुनिया में, जन्नत भी तो मऊद है, उसके लिए हमारे सालिया करने की तरकीब क्यों दे रहे हैं हम, उसके तो वादा मोमिनीन से किया गया है, हर चीज ही मऊद है, सब अल्लाह के वादे पर मुनहसर है, बोले खुदाई के दस्ते कुदरत में है दुनिया की हर चीज, किसी चीज की जद्दोजहद मत कीजिए, लिहाफ सिलवाइए तोशक सिलवाइए घर पर आराम करते रहिए, सब कुछ होता रहेगा, फिर जद्दोजहद करने की जरूरत क्या, सब कुछ तो अल्लाह करता है, कादिर समावात पर तो वही है, कादिर मतलब तो वही है, हम कर क्या सकते हैं, लिहाजा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये भी कोई गलत कॉन्सेप्ट है, हर चीज की नस्बत अल्लाह की तरफ होती है, लेकिन जद्दोजहद हमें करना पड़ता है, उसके लिए ये कायदा अल्लाह ताला का है, और इस कायदे से ये विरासत अर्जी का कानून भी मुस्तस्ना नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि इसलिए हमने उनको, हमारा कलमा इसलिए पूरा हुआ, तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल, हमारा वादा इसलिए पूरा हुआ, बिमा सबरू, क्योंकि बनी इसराइल ने भी इस्तिकामत का मुजाहरा किया, इसलिए पूरा हुआ, यानी कि खाली खामा का वन वे ट्रैफिक था। फिरौन वाले इसलिए इख्तदार से महरूम किए गए कि उन्होंने जुल्म किया, और बनी इसराइल को इसलिए इख्तदार मिला कि उन्होंने सब्र का मतलब मिला, वदम्मरना मा कान यसनाउ फिरौन व कौमुहु व मा कानु यअरिशून, और हमने तबाह बर्बाद कर दिया जो कुछ फिरौन ने तामीरात की थी और जो कुछ उन्होंने बाग लगाए थे। बड़ा शौक था इमारतें बनाने का फिरौन को, ईंटें बनती रहती थी दिन भर और बनी इसराइल ही बनाते रहते थे, बेगार ही भरते थे बेचारे, ये ईंटें बनाते थे और ईंटें बना के मकान बनाते थे और उसमें महिला फिरौन की तामीर होते थे जिसमें वो बागात लगाता था, या रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिससे तामीर का अंदाजा भी अंदाजा होता है कि बड़ा शानदार महिला बागात लगे हुए, अल्लाह ताला फरमा रहा है सारे महल्ला तो सारे बागात सब हमने तबाह बर्बाद कर दिए, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, सब छोड़ के भाग लिए,
विदम्बरना मैं कहना इतना फिरौन वो कौम हूँ वो मैं कहूँ कोई सवाल अगर आप इस बारे में सभी हालात से घबराओ नहीं बल्कि उसके मुकाबले की टीम बनाओ। ये नहीं घबरा गए अफसर डाल दिया, घबरा के आया है आप जो कहने वही करेंगे, ये नहीं है सब, बल्कि सब जो हालात को दे दिया करो उसके बाद किस तरह से हमें उसको फेस करना है इसका प्लानिंग करो। और ये खान साहब, ये कासिम साहब, तो ये वो लोग हैं जब किसी कौम का वजूद पड़ने लगता है तो जो कीड़े पैदा होते हैं ना पैरासाइट, ये वो लोग हैं जो दावेदारी ना किया करेंगे। ये सर्दे में वजूद के कीड़े होते हैं, पैरासाइट नहीं है, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कौम के दौरे जवाल में ऐसे लोग पैदा होते हैं, ये हर दौर में तारीख रही है, मीर जाफर और मीर सादिक ये पैदा होते हैं जो दुश्मन कैंप को दलाइल फराहम करते हैं। ये इस काबिल नहीं होते कि इनकी बातें जरे बहस लाई जाए, इनको गरीब बनाए। मैंने ये कहा था कि अगर आप इलाके का तर्जुमा महबूद करना ही चाहते हैं तो इस शर्त के साथ कि आप इबादत का तर्जुमा इदाद करेंगे, ये भी तो कहा था मैंने, इस शर्त के साथ। और अगर महबूद आप उस तर्जुमे में लेते हैं प्रस्तिश के तो आपको तर्जुमा नहीं करने देंगे। नहीं, एक इलाह में और महबूद में फ़र्क है। मैंने ये भी बताया था आपको, इलाह का मतलब ये होता है कि इलाह दलील है, लफ्ज़ इलाह दलील है इबादत की। ला इलाहा इल्लल्लाह फअबुदनी, चूँकि मैं इलाह हूँ लिहाजा मैं इबादत का मुस्तहिक हूँ। अगर हम इलाह का तर्जुमा मुस्तहिक की बात करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्योंकि मैं मुस्तहिक इबादत हूँ लिहाजा मैं मुस्तहिक इबादत हूँ, तो ये कोई बात नहीं। यानी रिपीटेशन हो गया है, क्योंकि मैं मुस्तहिक इबादत हूँ इबादत के लायक हूँ इसलिए मैं इबादत के लायक हूँ, तो रिपीटेशन हो गया। लिहाजा मैंने कहा इलाह का मतलब हम लेंगे मुक्तदिर, चूंकि मैं ही मुक्तदिर हूँ इसलिए मैं इबादत के लायक हूँ, तो ये एक दावा और एक दलील बन जाती है। चूंकि मैं मुक्तदिर हूँ, यानी इलाह वो हुआ जो मुक्तदिर कामिल है और उसकी इबादत उसी की होनी चाहिए, तो अब ये एक दावा बन गया इलाह और वाबुदनी उसकी दलील बन गई, यानी उसका नतीजा बन गया। चूंकि मैं इलाह हूँ यानी मुक्तदिर हूँ लिहाजा इबादत का मैं ही मुस्तहिक हूँ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون